सुबह ऑफिस जाना। पाँच मिनट और सोने दो ना माँ, प्लीज ना। एक तो हर रोज लेट हो जाती है बेटा, उठ जा, मैं बार बार नहीं आऊंगी, मुझे किचन में बहुत काम है। अभी ना सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। चल चल उठ जा जल्दी, रेडी हो, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ, उठ जा। ओए छोटी, क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह पढ़ रही है? आप डरा के तो मत बोला करो। हाँ कॉस पढ़ नहीं सकती क्या मैं सुबह सुबह? तू बड़ी पढ़ने वाली हो रही है, अच्छा एग्जाम्स आ रहे हैं ना इसीलिए। शाम को पार्टी में जाना है मेरे को, इसलिए भी पढ़ रही हूँ। पार्टी? किसकी पार्टी? दोस्त की पार्टी है। अब मुझे समझ में आया इतने प्यार से क्यों बात कर रही है, पार्टी के लिए पैसे चाहिए होंगे दीदी से? तब तो भी नहीं क्या पैसे, ऐसे कर रही हो? नहीं मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। दीदी से पैसे मांगने तो पहले प्यार से पैसे मांग। दे दो ना पैसे प्लीज। जल्दी घर आना है पर। ठीक, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। माँ लंच रेडी हो गया क्या? ये ले, खाती तो है नहीं, फिर भी खत्म तो करके आती नहीं है, लेकिन ले जा। और सुन तेरे भाई की शादी है, थोड़ा जल्दी आ जाइयो। मौसी की बेटी की शादी है ना आज? मौसी की बेटी की शादी है, हमें तैयारी भी करनी है और तेरे लिए कपड़े भी लेने। कपड़े तो है ना, क्यों खर्च करने माँ पैसे? वो सबका ध्यान रखती रहे, सबके लिए कपड़े लाती रहे, दिन भर काम करती है, अपने लिए एक नया सूट नहीं सिलवा सकती। आज मेरी बात मानेगी और तू सुनेगी, समझ में आई? अच्छा ठीक है बाबा, पर ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर बहुत है। हाँ बच्चा ब्लैक कलर ले लियो, लेकिन टाइम पे घर आना, ठीक है? बाय मम्मा। बाय बाय। रवि को फोन कर लेती हूँ, रवि का। हेलो रवि, कहाँ रह गए यार? आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ, तुम वेट करो, मैं घर के बाहर हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गई, प्लीज। चलो रवि चलो, लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा लेट हो रहा है, तो खुद इतनी लेट आई। अरे पापा डांटो मत ना, लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, आज भाई की शादी भी है शाम में। चलो चलो चलो, शाम को मुझे ऑफिस से निकल के फोन करते हैं। पहले पहले मुझे एक बात बताओ, जाने से पहले मेरे घर कब आओगे शादी की बात करने? कितना वक्त हो गया है? पहले मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, कुछ कर लूँ अपनी लाइफ में, कुछ जल्दी थोड़ी ना आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ काबिल हो जाऊँ मैं तुम्हारे थोड़ा सा वक्त। अभी चलो तुम्हें लेट हो रहा था ना, इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। हेलो, कॉल कर दूंगी मैं जब निकलूंगी, ठीक है? हाँ बाहर प्रोग्राम प्रोग्राम में दूसरा जूता पहन के आ, दूसरा जूता पहन के आ, दूसरा पहन के आ। हाँ भाई आज बना ले, बना रहा है, बना जल्दी बना। अरे रहन दो यार, क्यों रोज रोज पीते हो? पीते हो तभी तो जीते हैं, तुझे क्या दिक्कत है, तू भी पी ले। मेरा तो भाई लाइट बनाई है आज, मेरा ठोक क्या बनाते जरा। ले आ तू ले पहले। अरे राम भाई देखिए क्या करने लाग रहे। अरे कुछ ना लाग रहे, कुछ ना भाई पानी है। अरे दारू ना पिए, खर्चा पानी लिया क्या हो गया? क्या हो गया खर्चा पानी? डाल नहीं से भाई, तू डाल दे फिर। ला भाई डाल। राजा भाई फोन भी चार्ज नहीं किया, माँ को फोन करना है, कहीं फोन स्विच ऑफ ना हो गया। देख फोन स्विच ऑफ है, माँ टेंशन ले रही होगी। उसको देखिए बड़ी साइल आ गई है। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तू चल, तुझे कुछ काम मिलना तो है ना, रोकता रह गया हमेशा, तेरे से खुद तो कुछ होता नहीं, हमें भी रोका रहे। भाई तू देखना रहा कैसी लागी है, एक नंबर भाई। क्यों परेशान कर रहे हो यार, छोड़ दो ना, आज के बाद मेरे साथ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। हम छोड़ देते हैं, ऑटो की क्या जरूरत है। अरे आ जाएंगे, अब टेंशन क्यों लेती हो बाद में यार? टेंशन लूंगी, माँ हूँ तुम्हारी, बात कर
करती हूँ, कोई बात नहीं फोन करती हूँ। अकेले हो ना, पापा तो तेरे छोड़ के चले गए मुझे, तुम दोनों की जिम्मेवारी मुझ पे दे गए, अकेली माँ को परेशान करती हो दोनों की दोनों। यार मेरे को टेंशन मत दो यार, आ जाएंगी ना घर, आप ही ना चलो जाओ। तो फोन मिला उसे लगातार, और मुझे रवि का नंबर दे, रवि को बुला, मैं उससे पूछूंगी वो कहाँ है। करती हूँ मैं बात, सुनो। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, तू देख तो कहाँ चली गई, देख इतनी रात हो गई, पूरा दिन निकल गया मुझे इंतजार करते करते। एक बार अपनी बहन को फोन मिला, छोटे एक बार अपनी बहन को फोन मिला, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, तो रवि को बुला, एक बार हम उसके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ रवि, आपके साथ भी आई थी क्या? मेरे साथ आना था उसको, मैं खुद उसको कब से फोन कर रहा हूँ, वो कहाँ है? रवि पता है उनका फोन स्विच ऑफ है, कल ऑफिस से घर नहीं आई अभी तक। क्या घर नहीं आई? हाँ, जहाँ पर भी आप जल्दी घर आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसको रवि आ रहे हैं। बेटा कहाँ है बताओ, बुड्ढा कुछ बोल के नहीं गई है बेटा, पूरे रात हो गए मुझे फोन मिलाते मिलाते। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे सच बता दो, अगर तुमने तो कुछ गलत ही किया ना। रवि वो ऐसा कभी नहीं करती, हरेश हरेश घर पे ले चले, पकड़। हाँ जी, आपके लाश मिली थी लड़की की। इसकी क्या? आपकी लड़की की लाश मिली है, जो जिसका एड्रेस है यहाँ पे है। क्या बकवास कर रहे हो, कौन सी लाश, कौन सी लड़की, क्या ये जानते हो से आप? कौन है? क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, हम तो आपके पास आए थे। मेरी बेटी ना, मेरी बेटी कल से घर नहीं आई है, आप बताएंगे, आप और हमारी मदद कर दीजिए सर। साहब जी मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। अरे ये तो हाची है ना, ये आपको पता होगा हाची कहाँ है, आप मुझे बता दीजिए हाची कहाँ है। बेटा आप अंदर चलो, कोई नहीं अंदर चलो, हम देख रहे हैं, आप अंदर चलो। आपकी आईडी कहाँ से मिली आपको, ये बताइए आप। हमें ये लाश बरामद हुई थी नाले के किनारे से। लाश नहीं है, वो दी है मेरी, क्या बात कर रहे हो आप सर? आईडी मिल जाएगी तो आप उसको लाश बरामद हो गए, क्या बकवास किया रही है भाई साहब, ये सच बात है चाहे मानो या ना मानो। क्या बकवास कर रहे हो, अरे लेके आइए भाई, लेके आइए। अच्छी दी, अच्छी दी क्या है ये, दी मजाक कर रही हो क्या? ये कहाँ मिली, कहाँ पे ये? दी जल्दी उठो, मम्मा वेट कर रही है दीदी आपका। अच्छी तो
ऐसा कुछ था नहीं कि हम यहाँ पे रुलाने तो नहीं आया, लेकिन ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, वो मोमबत्ती जलती है मोम बन के बुझ जाती है, पर जो हमारे दिल में आ गया ना वो कसम से कभी नहीं बुझने वाली। ये आवाज निकली है तो दूर तक जाएगी और जब तक बदलाव नहीं होगा वापस नहीं आएगी। ये बात सिर्फ एक घर की एक बेटी की नहीं है, ये हिंदुस्तान की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।